रेनबोज हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों में से एक। रेनबोज हमें हमारी डेली लाइफ में दिखते रहते हैं, कभी कभी पानी गिरने के बाद, कभी कभी सुबह के टाइम में या फिर शाम के टाइम में रेनबोज हमें दिखते रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेनबोज आखिर क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं? क्या रीज़न होता है इन रेनबोज के बनने का? उसके पीछे क्या साइंस होती है? आज हम इसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे आसपास जो रेनबोज बनते हैं वो क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, और इसका आंसर दूंगा साइंटिफिकली। तो अब शुरू करते हैं। तो अभी रिसेंट में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम रोबोट 2.0 था, और अगर आप साइंस वीडियोज़ देखते हैं तो आपने ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि क्या मोबाइल रेडिएशन से हमें कैंसर होता है या फिर क्या मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल होता है। ऐसे वीडियोज़ आपने ज़रूर देखे होंगे उस मूवी से रिलेटेड। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। तो उन वीडियोस में आपने एक चीज का नाम सुना होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसमें हर एक रेडिएशन की वेवलेंथ दी होती है और उसमें जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ भी आपने देखी होगी। तो जो विजिबल लाइट होती है हमारी व्हाइट कलर की लाइट जो सन से आती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, और जो वो 7 कलर होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। ये रीजन था मैं आपको वेवलेंथ के बारे में बता रहा था। अब जैसे कि मैंने बताया जो व्हाइट लाइट होती है जो सन से आती है उसमें 7 कलर होते हैं, और हमारे आसपास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब व्हाइट लाइट का पूरे उसके 7 कलर्स में अलग अलग हो जाना। अब हम लैब में डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक ग्लास प्रिज्म की हेल्प से समझते हैं कि हम एक ग्लास प्रिज्म लेते हैं और उसमें व्हाइट लाइट डालते हैं और उस ग्लास प्रिज्म के उस पार 7 कलर्स की लाइट निकलती है, उसको आप विब ग्योर जिसका नाम आपने सुना होगा बचपन की साइंस क्लासेस में। तो यही सेम फिनोमिनन हमारे नेचर में होता है बड़े लेवल पे, और उसी के कारण क्रिएट होता है एक रेनबो। अब हम ये समझते हैं कि कैसे। तो होता क्या है, जब भी पानी गिरता है तो हमारे नेचर में बहुत सारे पानी के छोटे छोटे बबल्स हमारे एटमोसफियर में घूमते रहते हैं। तो जब भी सन की लाइट आती है तो वो उन पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स में जाके डिस्पर्स हो जाती है, मतलब अपने 7 कलर्स में अलग अलग हो जाती है, जिससे बनता है एक ब्यूटीफुल रेनबो। अब शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में जो रेनबोज बनते हैं वो भी इसी कारण की वजह से बनते हैं, क्योंकि हमारे एटमोसफियर में पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हर टाइम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पानी गिरने के बाद ही वो पार्टिकल होते हैं। पानी गिरने के बाद हमेशा रेनबो इसलिए दिखता है क्योंकि पानी गिरने के बाद पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है रेनबोज के बनने की। अब रेनबोज के बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये फैक्ट पता होगा, पर जिनको नहीं पता, जो रेनबोज होते हैं वो हम आधे देखते हैं, बट रियलिटी में जो रेनबोज होते हैं वो कम्प्लीट 360 डिग्री के, मतलब गोल गोल राउंडेड शेप के होते हैं। अगर आपको पूरा गोल गोल रेनबो देखना है तो आप प्लेन में जाइए, और अगर आपको एक रेनबो दिखता है तो वो रेनबो आपको पूरा कम्प्लीट 360 डिग्री का दिखेगा। हम अर्थ पे रहते हैं नीचे जमीन के कारण हमें वो रेनबो पूरा 360 नहीं दिखता, क्योंकि हम उतना सरफेस एरिया कवर नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ऊपर होते हैं आसमान में तो हम बहुत बड़ा सरफेस एरिया कवर करते हैं, इसलिए हम पूरा रेनबो 360 डिग्री का देख सकते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें रेनबोज क्यों दिखते हैं और कैसे बनते हैं रेनबोज हमारे आसपास। सिर्फ एक छोटी सी साइंस है उसके पीछे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे कुछ नया जानने को मिला, तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि बाकी लोग नहीं देखेंगे। जब तक कोई नई वीडियो नहीं आती तब तक लिए आप इस चैनल की दूसरी वीडियोस को देख के कुछ नया जान और सीख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।